अब ये जंग किससे होगी, कैसे होगी, ये बताना मुश्किल, लेकिन हकीकत ये भी है कि राजपूताना की राजनीति को आजादी के बाद से ही राजपूत समाज प्रभावित करता आया है। बीजेपी को तो उसके जन्म के बाद से ही राजपूत समाज ने सर्वाधिक प्रभावित किया। सवर्ण वर्ग से जुड़े किसी भी आंदोलन या घटनाक्रम में अग्रणी भूमिका भी निभाता रहा राजपूत वर्ग। समय समय पर अपने वोटों की ताकत भी इस समाज ने जताई है और दिखाई है। आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान की राजपूताना सियासत। मानवेंद्र सिंह प्रकरण ने राजपूत राजनीति में उबाल लाकर रख दिया है। ये रिपोर्ट। राजस्थान में जमींदारा प्रथा के खिलाफ जब कांग्रेस खड़ी हुई, तब राजपूत राज्य रजवाड़ों का झुकाव विपक्षी दलों की तरफ रहा। साल 1956 में जब राम राज्य परिषद की तरफ से करीब 50 राजपूतों ने चुनाव में जीत दर्ज की, बेहद कम राजपूत ही कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री और कद्दावर राजपूत नेता धारो सिंह शेखावत को राम राज्य पार्टी ने 1952 में टिकट नहीं दिया था। बाद में उन्होंने जनसंघ का दामन थामा था। आगे चलकर राम राज्य परिषद मिल स्वतंत्र पार्टी में, जिसकी अगुवाई जयपुर की राजमाता गायत्री देवी कर रही थी, स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व खत्म हुआ। तब राजपूत राजनीति शिफ्ट हुई जनता पार्टी में, और आगे चलकर सोहन सिंह, बिशन सिंह शेखावत, मदन सिंह धाता, तन सिंह जैसे कद्दावर नेताओं की अगुवाई में राजपूत जुड़ गए बीजेपी के साथ और राजपूताना में कमल खिला दिया। मारवाड़ के पचपदरा से आज मानवेंद्र सिंह ने जैसे ही हुंकार भरी, वैसे ही राजपूत समाज की राजनीति में उबाल आ गया। कारण साफ है कि मारवाड़ ही हमेशा से राजपूत राजनीति का पावर सेंटर रहा है। तन सिंह यहीं जन्मे थे। जोधपुर राज परिवार का भी राजपूत पॉलिटिक्स पर सीधा प्रभाव रहा। आज भी जोधपुर महाराजा गज सिंह की ताकत का सबको अंदाजा है। राजपूताना में राजपूत प्रमुख राजपूत दिग्गज स्वर्गीय महाराजा मान सिंह द्वितीय, स्वर्गीय तन सिंह, स्वर्गीय महाराजा हनुमंत सिंह, स्वर्गीय महाराजा कर्णी सिंह, केसरी सिंह पाटोदी, राव धीर सिंह, जोधपुर महाराजा गज सिंह, कल्याण सिंह कालवी, धारो सिंह शेखावत। कुल जनसंख्या 11%, रावणा को मिलाकर 14%, सरकारी आंकड़े 9%। 40 से 50 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव। वेस्टर्न राजस्थान, सेंट्रल राजस्थान, अजमेर, जयपुर, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग में राजपूत लगभग 40 सीटों पर जीतने और जिताने की स्थिति में। झुंझुनू और चूरू में राजपूत यहां की सीटों को सीधे प्रभावित करते हैं। लोकसभा की 20 से 22 सीटों पर सीधा प्रभाव। मोदी सरकार में 2 मंत्री राजपूत वर्ग से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को स्वतंत्र प्रभार का केंद्रीय मंत्रालय हासिल, गजेंद्र सिंह शेखावत है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री। राज्य सरकार में भी राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह खींवसर, राजपाल सिंह शेखावत, पुष्पेंद्र सिंह है मंत्री, राव राजेंद्र सिंह है विधानसभा के उपाध्यक्ष। भाजपा के राजपूत दिग्गज स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह, स्वर्गीय महेंद्र कुमारी, राव राजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजपाल सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी, देवी सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौड़, मानवेंद्र सिंह, छोटू सिंह भाटी, हमीर सिंह भायल, कान सिंह कोटड़ी, प्रेम सिंह बाजोर, दिया कुमारी, रणधीर सिंह भिंडर, भवर सिंह पलाड़ा, शंभू सिंह खेतासर, सिद्धि कुमारी, पद्मनी कुमारी, दशरथ सिंह शेखावत, रणधीर सिंह भिंडर, भवर सिंह पलाड़ा है बड़े राजपूत क्षत्र। कांग्रेस के राजपूत दिग्गज स्वर्गीय धीर सिंह राव, भीम सिंह मंडावा, पूर्व महाराजा भवानी सिंह, खेत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह शक्तावत, नरेंद्र सिंह भाटी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, दिग्विजय सिंह उनियारा, चंद्रेश कुमार, भवर जितेंद्र सिंह, सुखबीर सिंह जोजावर, भवर सिंह भाटी, भरत सिंह सांगोद, प्रताप सिंह खाचरियावास, इजेराज सिंह, अजीत सिंह शेखावत, धर्मेंद्र राठौड़ नाथ, करण सिंह उचियाड़ा, विजेंद्र सिंह गुढ़ा, अजीत शेखावत। राजपूत संगठनों के छत्र भगवान सिंह रोल साहिब सर, प्रमुख क्षत्रिय युवक सर, लोकेंद्र सिंह कालवी, संरक्षक राजपूत कर्णी सेना, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, अध्यक्ष राजपूत सभा भवन, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, प्रमुख राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी खुद को राजपूतों की बेटी और जाटों की बहू कहती है। सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजघराने की बेटी है। राजपूत राजनीति से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ये भी दिलचस्प है कि राव धीर सिंह कांग्रेस में थे और उनके पुत्र राव राजेंद्र सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता है। महाराजा भवानी सिंह जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, वहीं उनकी पुत्री दिया कुमारी बीजेपी से विधायक है। बीजेपी को राजस्थान में खड़ा करने वाले धारो सिंह शेखावत रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद भी हासिल किया। वहीं उनके सगे भतीजे प्रताप सिंह खाचरियावास आज कांग्रेस के स्थापित नेता है।
इन दिनों राजपूत समाज में कई धारा बह रही है। सियासी दल समाज के नए नेतृत्व को भार रहे हैं। बीते 3 उपचुनाव में राजपूत और रावणा राजपूतों ने अपने वोटों की ताकत सत्ताधारी दल को दिखाई है। नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने और राजनीतिक चेतना जगाने की भी कोशिश की जा रही है। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंघ को स्थापित करने वाले और बीजेपी को मजबूती देने में राजपूत समाज की भूमिका किसी से छुपी नहीं। राजपूत समाज मजबूत वोट बैंक के तौर पर बीजेपी के साथ खड़ा रहा। गिबराला प्रकरण समेत कई मुद्दों पर बीजेपी के राजपूत नेताओं ने समाज के मतभेद हुए। समय समय पर कांग्रेस के साथ भी दिया, लेकिन झुकाव बीजेपी की तरफ ही रहा। तन सिंह ने क्षेत्रीय युवक संघ की नींव रखी और इसे ठीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर डाला गया। विशुद्ध राजपूत संगठन के तौर पर क्षत्रिय युवक संघ को खड़ा कर दिया गया। आगे चलकर राजपूत आरक्षण आंदोलन के वक्त क्षेत्रीय युवक संघ की कोख से ही राजपूत फाउंडेशन ने जन्म लिया। राजपूत सभा भवन की अपनी भूमिका रही है। राजपूताना की राजनीति में राजपूत समाज की भूमिका व्यापक रही है। सरपंच से लेकर सांसद तक बड़ी तादाद में इसी समाज के लोग चुनाव जीतते हैं। अब समाज एक बार फिर से अपनी सियासी ताकत दिखाने को आतुर है। मारवाड़ में मानवेंद्र सिंह की रैली से निकला संदेश दूर तलक जाएगा। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।